हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टू लुक्स। आज की वीडियो बात करेंगे हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन की न्यू वैकेंसी आई है जो ओनली लद्दाख में वैकेंसी आई है, तो आपको पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो देखते हैं, नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट इस 757 पोस्ट है, यानी कि 800 की पोस्ट आप मान सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब की ये वैकेंसी है। इसके आवेदन 23 से यानी कि कल से स्टार्ट हो गए और 13 जून तक इसके आवेदन चलेंगे, और लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट है 15/6/2022। लास्ट डेट है पेमेंट की, और इसके एग्जाम डेट आगे अगस्त में टेंटेटिव बताई जा रही है, जो एसएससी फेज 10 के एग्जाम डेट है उसी में आपके ये एग्जाम होंगे। जो कोई स्टूडेंट ऑफलाइन चालान यानी कि ऑफलाइन चालान पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए लास्ट डेट 18 जून है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो मैंने टोटल वैकेंसी आपको बता दी है, 757 टोटल वैकेंसी। फीस की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के 100 रुपये रखी गई है, जनरल और ओबीसी की वैकेंसी इसमें नहीं है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस की नील है, कोई अन्य की वैकेंसी नहीं है। एग्जाम पैटर्न इसमें है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें बात करें तो आपके यानी कि पेपर आपके 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1 क्वेश्चन आपने सही किया है और बाकी का अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका वो एक नंबर पूरा नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका राइटन एग्जाम होगा, सीबीटी और कंपलसरी है, और स्किल टेस्ट भी होगा, और पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। तो कैटेगरी वाइज हम पोस्ट की डिटेल देखें तो इसमें यूआर की 385 पोस्ट है, एससी की 355 पोस्ट है, एसटी की 05 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 52 पोस्ट है, ईएसएम की 21 पोस्ट है, वीएस की 07 यानी कि 7 पोस्ट है, एचएस की 6 पोस्ट है, ओएस की 3 पोस्ट है, अदर की 2 पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी 797 है। इसमें ओबीसी की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, तो ओबीसी वालों का आपको ध्यान रखना है। इसमें एज की बात करें तो मिनिमम एज आपके 18 ईयर होने चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर रखी गई, यानी 18 से 42 ईयर के बीच में अलग अलग डिफरेंट पोस्ट है, तो उसमें लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th वाले 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन अबव कोई भी आपके क्वालिफिकेशन तो वो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलेक्शन की बात करें तो इसमें सभी कैटेगरी हिसाब से आपके एज रिलेक्शन भी आपने दिया हुआ है, तो आराम से आप इससे पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। एक बार आप वापस रिवाइज करके पूरे नोटिफिकेशन को देख लें, जिससे आपको अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो यही वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।